द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 एक वैश्विक संघर्ष था जिसने दुनिया को शक्ति और संसाधनों के संघर्ष में उलझा दिया। युद्ध में मित्र राष्ट्रों ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ और धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान सहित उस समय की प्रमुख शक्तियां शामिल थीं और इसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों की मृत्यु हुई, दोनों सैन्य कर्मियों और नागरिकों। युद्ध के कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी पर कठोर दंड लगाया, जिसमें बड़े पैमाने पर क्षतिपूर्ति भुगतान और क्षेत्रीय नुकसान शामिल थे। इन प्रावधानों ने जर्मनी को एक कमजोर स्थिति में छोड़ दिया और नाराजगी और राष्ट्रवाद की भावना को हवा दी, जो अंततः 1933 में नाजी पार्टी के उदय और एडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने का कारण बनी। युद्ध के प्रकोप तक पहुंचने वाले वर्षों में हिटलर ने जर्मनी की शक्ति और प्रतिष्ठा को बहाल करने की मांग करते हुए क्षेत्रीय विस्तार और सैनिकरण के एक कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और चेकोस्लोवाकिया में जर्मन भाषी क्षेत्रों की वापसी की मांग की, जिसके कारण 1938 का म्यूनिख समझौता हुआ। हालांकि हिटलर की महत्वाकांक्षाएं जल्द ही पोलैंड की ओर मुड़ गईं, और जब उन्होंने अगस्त 1939 में पोलिश कॉरिडोर की वापसी की मांग की, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलिश स्वतंत्रता की गारंटी के साथ जवाब दिया। युद्ध का प्रकोप 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और 2 दिन बाद ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पोलैंड पर आक्रमण के बाद डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग और फ्रांस सहित जर्मनों द्वारा यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर तेजी से विजय प्राप्त की गई। सोवियत संघ भी 17 सितंबर को पूर्व से पोलैंड पर आक्रमण करके जर्मनों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। ब्रिटेन की लड़ाई फ्रांस के पतन के बाद हिटलर ने अपना ध्यान ग्रेट ब्रिटेन की ओर लगाया। उनका मानना था कि अगर वह इंग्लिश चैनल पर हवाई श्रेष्ठता हासिल कर सकते हैं तो वे ब्रिटेन पर आक्रमण कर सकते हैं और जीत सकते हैं। ब्रिटेन की लड़ाई जुलाई 1940 में शुरू हुई, जब जर्मन लुफ्टवाफे ने ब्रिटिश शहरों और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने स्पिटफायर और हरिकेन लड़ाकू विमानों के साथ वापसी की, और कई महीनों की गहन लड़ाई के बाद जर्मनों को ब्रिटेन पर आक्रमण करने की अपनी योजना को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तरी अफ्रीका में युद्ध 1940 में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली ने जर्मनी की ओर से युद्ध में प्रवेश किया। इटालियंस ने लीबिया में अपनी कॉलोनी से मिस्र पर आक्रमण शुरू किया, लेकिन 1942 में अल अलामीन की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा पीछे धकेल दिया गया। उत्तरी अफ्रीकी अभियान 1943 तक जारी रहा, जब मित्र राष्ट्रों ने जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर की कमान में सिजली और फिर इटली पर आक्रमण शुरू किया। प्रशांत में युद्ध प्रशांत क्षेत्र में जापान 1930 के दशक से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, और 1941 में उसने पल हाबा हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। इस हमले ने अमेरिकी प्रशांत बेड़े को नष्ट कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में खींच लिया। प्रशांत युद्ध बर्मा के जंगलों से प्रशांत के द्वीपों तक विशाल दूरी पर लड़ा गया था और इतिहास में कुछ सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में शामिल था, जिसमें 1942 में मिडवे की लड़ाई भी शामिल थी। पूर्वी मोर्चे पर युद्ध सबसे क्रूर और विनाशकारी युद्धों में से एक था। जून 1941 में जर्मनों ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया और लड़ाई जल्दी ही एक क्रूर युद्ध में बदल गई, जिसमें लाखों सोवियत सैनिक और नागरिक मारे गए या बंदी बना लिए गए।
जर्मनों ने इसे मॉस्को और लेनिनग्राद के बाहरी इलाके में बनाया, लेकिन अंततः सोवियत सेना द्वारा पीछे धकेल दिया गया।